तो यूट्यूब पर फेमस होना है तो मात्र 2 से 3 महीने में फेमस हो जाइए, लेकिन करिए ये काम। आज मैं बता रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पे सब लोग यही कर रहे हैं और पता नहीं क्या हो गया है। तो चलिए ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं संगम चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आप सब कैसे हैं कमेंट में बताना। और आप लोग को मैं एक उपाय बता रही हूँ और देखिएगा ये सही चल रहा है जी। यूट्यूब पे आप लोग तो वीडियो दे सबका देखते हैं, जानते होंगे। अभी ये इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात करने जा रही हूँ। तो देखो लोग कितने कितने दिन से मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक नया उपाय है। तो ये नया उपाय है आप लोग जान गए होंगे। आजकल देख रहे हैं जो अच्छा वीडियो बना रहा है उसका कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं वो जो वीडियो बना रहे हैं। और जिसको देखिए व्यूज बोले हमको नहीं चाहिए, किसको व्यूज नहीं चाहिए, सबको चाहिए। और जिसको व्यूज चाहिए वो गाली दे के भी फेमस हो जा रहे हैं, तो दो में से एक कीजिए, नहीं तो ख़राब वीडियो बनाने वाले गाली दीजिए, नहीं तो क्या बोलते हैं सया उठाइए, फेमस हो जाइए। बस इतना इतना सब पैर दिखा दीजिए, फेमस हो जाइए। पता नहीं उसमें क्या मिलता है वीडियो देखने वाले को, कि उसमें आप लोग देखिएगा कितना सारा सपोर्ट किए रहते हैं लोग। और कमेंट भी बहुत मस्त मस्त रहता है, सुपर वीडियो अच्छा है, ऐसे ऐसे कमेंट रहता है, बहुत अच्छा अच्छा। और वो वीडियो पे जो सुपर लिखते हो वो अपने बच्चों को दिखाओ, अपने बहन के सामने देख सकते हो, लेकिन आपको उस वीडियो पे सुपर नहीं लिखना चाहिए, लेकिन आप सब उस वीडियो पे सुपर लिखते हो। बहुत से इतने लोग हैं, मैं सबको तो नहीं कहूँगी, बहुत से लोग तो गाली दे के आते हैं, लेकिन बहुत से लोग सुपर लिखते हैं, बोलते वीडियो अच्छा है। और जो वीडियो अच्छा बनाते हैं उसको बहुत 10 बदनामी करना चाहते हैं कि ऐसा करो ऐसा करके बनाओ कि वो बदनाम हो जाए, ऐसा यही चल रहा है यूट्यूब पे, बाकी कुछ नहीं चल रहा है। अभी पता नहीं अपने बाप का चैनल, सब अपने बाप लग रहा है, उनके बाप का ही है यूट्यूब, ऐसे ऐसे वीडियो बना कर कोई भी डाल दे रहा है। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो कोई नहीं डालता, तो आप लोग सपोर्ट करते हैं उस ऐसे वीडियो को, तभी तो ऐसे वीडियो बना के डालते हैं कि हम फेमस हो जाएंगे ऐसे वीडियो डालेंगे। तो आप लोग उस ऐसे वीडियो को सपोर्ट ही मत कीजिए, कोई नहीं ऐसा वीडियो बनाएगा। और ऊपर से आप ही लोग गाली देने लगते हो कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं। एक देखिएगा एक वीडियो को जोड़ जोड़ के लोग वीडियो बना रहे हैं, वो बहुत तेज़ वायरल हो रहा है। तो ऐसे लोग वो वही लोग होते हैं जो सुपर लिख के आते हैं फिर उस पर वीडियो बनाने लगते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को सपोर्ट नहीं करते, वैसे वीडियो का कौन बनाता, कैसे कैसे उतना व्यूज चला जाता है, मिलियन मिलियन व्यूज चला जाता है, लाइक आ जाता है उतना उतना। आप लोग करते हैं, आप लोग देखते हैं तभी तो आता है, ऐसे कोई नहीं बनाता। अगर अच्छा अगर वो वीडियो भागता नहीं तो कोई पागल थोड़ी है कि बनाएगा। लेकिन आप लोग उस वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तभी तो पब्लिक बना रही है, तभी तो औरतें इतनी गिर जा रही हैं व्यूज के लिए कि हमारा वीडियो चलेगा, तभी तो ऐसे कर रही हैं, नहीं तो कौन करता है। अब तो समझिए जो अच्छा भी बनाएगा ना वो भी बदनाम हो जाएगा यूट्यूब पे कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा। तो आप लोग जितने बहनें बनाती हैं ऐसी वीडियो मत बनाया करो, इतना गाली वीडियो आप लोग नहीं देखती हैं क्या, गाली कितने लोग बोलते हैं, वही लोग आपको भी इस्तेमाल करते हैं, आपका वीडियो उठा के अपने पे लगा लेंगे और फिर आपको भी उसी वीडियो से आपके जगह उनका नाम भी हो, चैनल चलता है आपके वजह से चलता है उनका भी चैनल, क्योंकि आपके वीडियो दिखाते हैं पहले, उसके बाद में से वो गाली बोलते हैं तो पब्लिक बोलता है अच्छा करा भाई, अच्छा बोला भाई, तो उनको भी अच्छा लगता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, तभी तो बोल रहे हैं कि तुमने अच्छा करा भाई। तो आप खुद पागल हैं, इतने बहन बनाती हैं खुद पागल हैं, ऐसे मत बनाइए। कि आप मेहनत कर रही हैं तो उसका फल आपको मिलना चाहिए, दूसरों को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आप खुद ही इतना नीचे गिर जा रही हैं तो क्या करें। वो भी बंदा सोचता है अपना फ़ायदा, सब सोचते हैं, तो अगले वाला बंदा देखिएगा कितना गाली दे दे के आगे बढ़ गए हैं, गाली देते हैं। और जो तो अच्छा वीडियो बना रहे हैं उसके मुंह पे तो अच्छे बोलते हैं, बाद में से देखिए लोग भी ऐसे हैं
हम तो अच्छा वीडियो बना रहे थे, हमको सुनने के लिए इतना मिलता है, आप लोगों को पता नहीं कोई कुछ कहता है कि नहीं कहता है, ऐसी वीडियो बनाती हैं, आप लोगों के घर में परिवार है कि नहीं है, आपके आप नहीं रहेंगे लेकिन चैनल तो हमेशा रहेगा, आपके बच्चे देखेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसा वीडियो मत बनाइए। एक कि समझिए जीवन का सब इसमें रहेगा, आप भले नहीं रहेंगे लेकिन आपके बच्चे बड़े होंगे तो देखेंगे, तो ऐसा बनाइए कि चार लोग के बीच में आप भी बैठ के देख सकते हैं। नहीं तो देखो अपने आपके पतियों को भी गाली बोला जाता है कि देखो ये ऐसा है वैसा है, ऐसा करवाता है अपने बीवी से, तो आप खुद ही ऐसी पागल हैं जो ऐसी वीडियो बनाती हैं। आप नहीं बनाएंगी तो कोई नहीं करवाता है जी, ये तो मैं जानती हूँ। और व्यूज के लिए आप इतना मत गिर जाइए कि आपके वजह से कोई और फेमस हो जाए आपका नाम लेके, आपको वो भी गाली बोलते, इतना नीच नीच पूछिए मत। मेहनत आप करेंगे तो आपको सपोर्ट सब लोग करेंगे, लेकिन मैं ऐसा वीडियो बनाएंगी तो आपको पता है हम गंदा वीडियो बनाएंगे तो सब हमारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस सपोर्ट का क्या मतलब जी, जिसमें आपकी इज्जत ही नहीं रहे, पैसा कमा के क्या करेंगी जिसमें आपकी इज्जत नहीं रहेगी और चार लोग के सामने खड़ी नहीं हो पाएंगी। अभी वो गुड़िया गोरखपुरिया थी तो देखिए कैसी वीडियो बनाती थी, मीडिया के सामने क्यों नहीं आई, भग गई। आखिर मैं अश्लील वीडियो बनाई थी तभी गलती थी, तभी तो भगी, नहीं गलती रहती तो क्यों भगती। आज वैसी सुधर गई और उसके देख के बहुत जने बिगड़ गए, तो आप लोग के भी वो एक दिन ज़रूर देखना पड़ेगा, एक दिन फेमस हो जाएंगी तो मीडिया वाले तो ज़रूर जाएंगे और आपको वो सवाल पूछेंगे, लेकिन अब दूसरों को भी देख के ऐसा नहीं सुधर रही है। बहुत से ऐसा चैनल है, अभी वो सोनी मोनी था वो भी थोड़ी बहुत सुधरी है, अभी वो सिवान है वो तो एकदम से वही है, क्या कहूँ, एकदम से वही है। और सब भैया बोलते हैं हमको व्यूज नहीं चाहिए, हमको व्यूज नहीं, सुधार, कोई सुधार नहीं रहा है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो सब लोग सुधारने पे रहते ना तो वैसा वीडियो कोई नहीं देखता, तो कोई बनाता ही नहीं, नहीं वैसा वीडियो ऊपर जाता भगता, तभी तो वो वीडियो व्यूज जाता है, तभी तो वो वीडियो सब देख के बनाती हैं जो पागल रहती हैं, ऐसे देख के फट से वैसे करके वो खुद ही वैसे करके फिर डाल देती हैं। तो चलिए ठीक है, अगर हमारा वीडियो देखे तो बोलिएगा कि हम मैं गलत बोली कि सही बोली, क्योंकि हम रोज़ देखते हैं कि बहुत से भैया हैं बहुत गाली बोलते हैं ऐसे ऐसे वीडियो देख के, फिर उन्हीं का नाम जाके पढ़ेंगे कमेंट में तो सुपर लिखा रहेगा, क्यों सुपर लिखा रहता है कि ये फिर ऐसा वीडियो बनाएगी, मेरे पास आएगा फिर मैं गाली दे के बोलूँगा फिर हमारा व्यूज जाएगा, ऐसा ये रहता है। लेकिन ये सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी हैं जो सब समझती नहीं है, कुछ भी लिख के कुछ भी करके कुछ भी बना के खोल के दिखा के डाल देती हैं। अरे भाई वो तो सबके पास है, लेकिन अच्छे से वीडियो बनाओ। और हम देखो ऐसे बनाते हैं, हमारे मुंह पे लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर अंदर कितनी बुराई करते हैं, तो बुराई करने वाले को करने दीजिए, बुराई करके कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम वीडियो अच्छा बनाते हैं, हमको पता है कि हम अच्छा बनाते हैं, और हमको दुनिया से क्या लेना देना है, हमारा पति कहते हैं हम बनाते हैं, हमारे पति को अच्छा है हमको अच्छा है, तो दुनिया जाए भाड़ में, नहीं इधर जाओ नहीं इधर जाओ, भाड़ में सीधा जाओ, और क्या यही है। बहुत से लोगों को कान से सुन ली हूँ जी, लोग बोलते हैं कि अच्छा है हम तो अच्छा है भाई, और बाद में से ऐसे बुराई करते हैं, ऐसे हमारा वीडियो देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे, तो ऐसे ऐसे बहुत है, उनको पता नहीं क्या पंचायती रहती है कि लेना देना रहता है, कि हम अभी हम भूखे रहेंगे तो वो खाना देंगे, कोई नहीं देगा, भूखे रहेंगे अपना तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप खाएं कि नहीं खाएं, अगर अच्छे से रहेंगे ना तो 10 लोग नज़ारा लगाएंगे कि कैसे इसको क्या करूं कि ये गिर जाए, दुनिया बस यही है, तो दुनिया को पीछे लात मारो आगे निकल जाओ, अब बस अच्छा वीडियो बनाएंगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मैं ऐसे बहुत से हैं जो सोचती हूँ बहुत कि देखो मुँह पर कैसा बोलती हैं कि चलो अच्छा है, और सामने से दूसरे से कैसे बदनामी करते हैं लोग, ये भगवान, ऐसे बुराई करने वाले के मुंह पे ऐसा कोट देना कि किसी के बुराई करने के लायक नहीं रहे, मुंह दिखाने के लायक मुंह घूंघट मार के चले, ऐसे ऐसे लोग हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय, आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा।